हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद श्रेया। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पार्ट टू असलदार। फ्रेंड्स, ये हमारा पार्ट टू का पार्ट वन है। इसमें हम आज इसका पूरा सोल्यूशन करने वाले हैं ज्ञान सागर से। अभ्यास सागर का भी सोल्यूशन जल्द ही आ जाएगा और वो सोल्यूशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसका लिंक आप वहाँ से जाकर चेकआउट कर सकते हैं, नहीं तो फ्रेंड्स आप स्टडी विद श्रेया प्ले लिस्ट में भी जाकर चेकआउट कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, हम अपनी आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, गाँव वाले दारा का सम्मान क्यों करते थे। तो गाँव वाले, इसमें पूछा गया है कि जो गाँव वाले थे वो दारा का सम्मान इतना क्यों करते थे, उसको इतना क्यों मानते थे। तो आंसर होगा, गांव वाले दारा का सम्मान इसलिए करते थे क्योंकि वह बहुत ईमानदार, समझदार और दयालु था। वो गांव वाले दारा का सम्मान इसलिए करते थे क्योंकि दारा बहुत ज़्यादा बुद्धिमान था, होशियार था, समझदार था और ईमानदार भी था और दयालु भी था। वो बिना पैसे के लोगों की मदद भी करता था। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेकेंड क्वेश्चन है, शाह द्वारा दारा को अपने दरबार में रखने का क्या कारण था। तो हमने जैसा कि पढ़ा था, जो वो वहाँ का राजा था, शाह था, उसने दारा को दरबार में क्यों रखा था अपने दरबार में। तो इसका आंसर होगा, शाह द्वारा दारा को अपने दरबार में रखने का यह कारण था कि दारा बहुत समझदार था और वह अपनी समझदारी से राजा की मदद कर सकता था, इसलिए राजा ने दारा को अपने दरबार में रख लिया। तो यह कारण था कि राजा ने दारा को अपने दरबार में रख लिया था। वो राजा की मदद करता था और दारा, एक बार राजा ने दारा को गवर्नर भी बनाया था। दारा राजा की मदद करता था और उसके जो काम थे वो भी करता था और राजा भी उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता था और उससे बहुत ज़्यादा खुश भी था। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन है, दरबारी दारा से ईर्ष्या क्यों करते थे। दरबारी जो थे वो दारा से क्यों जलते थे, ईर्ष्या मतलब जलना। दरबारी दारा से ईर्ष्या इसलिए करते थे क्योंकि शाह केवल दारा का ही नाम जपते थे और दारा को सारा धन भी देते रहते थे। तो वो दारा से इसलिए जलते थे क्योंकि जो दारा था, वो जो शाह था, वो सिर्फ दारा का ही नाम जपते रहता था, दारा की तारीफ करते रहता था और बार बार उसी को सारा धन दे देता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, शाह ने दारा को गवर्नर बना कर क्यों भेजा। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था सेकेंड क्वेश्चन में कि उसने, राजा ने एक बार दारा को गवर्नर भी बनाया था, वैसे ही यह क्वेश्चन आ गया कि शाह ने दारा को गवर्नर बनाकर क्यों भेजा था। तो आंसर होगा, शाह ने दारा को गवर्नर बनाकर इसलिए भेजा क्योंकि दारा बहुत समझदार था और दारा गवर्नर की के उपाधि के लिए सही भी था, इसलिए राजा ने उसको बनाया था गवर्नर। वो वहाँ उस उपाधि के लिए सही था, वो बहुत ज़्यादा समझदार था, बुद्धिमान था, इसलिए वो उस उपाधि के लिए, गवर्नर की उपाधि के लिए सही था, इसलिए राजा ने उसको बनाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फिफ्थ क्वेश्चन, दारा अपने बक्से में क्या रखता था और क्यों। तो इसका आंसर होगा, दारा अपने बक्से में एक पुराना फटा कोट रखता था और दारा बक्से को अपने साथ इसलिए रखता था कि वह उसे याद दिलाता रहे कि वह एक गरीब चरवाहा था और उसके मन में कभी घमंड पैदा ना हो। तो फ्रेंड्स, इसलिए वो साथ रखता था उस कोट को क्योंकि उस कोट को देख के उसको याद आता था कि वो एक गरीब चरवाहा था, वो जो था गरीब चरवाहा था और कैसे वो एक राजा का दरबारी बना था और इसी वजह से उसके दिमाग में कभी घमंड ना आए, इसलिए वो कोट को अपने साथ रखता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट आता है हमारा बातचीत के लिए। चलिए फ्रेंड्स, इसको भी कर लेते हैं। बातचीत का फर्स्ट क्वेश्चन है, चरवाहे का जीवन बहुत ही सामान्य था। उसे दो वक्त की रोटी मिल जाती थी और उस रहने के लिए एक झोपड़ी थी। तो यहाँ पूछा गया है, चरवाहे का जीवन कैसा था।
तो चरवाहे का जीवन, दारा का पूछ रहा है कि दारा जब चरवाहा था तो कैसा था। तो दारा जब चरवाहा था तो उसको 2 वक्त की रोटी मिल जाती थी, फटे पुराने कपड़े पहनता था और एक छोटी सी झोपड़ी थी। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा सेकंड, सेकंड है कहानी में से ऐसे अंश छांटकर बताइए जिनसे दारा के बुद्धिमान होने का पता चलता है। तो आंसर होगा, जब दारा पर धन लूटने का आरोप लगाया गया पर उसने अपने फ्रेंड्स, यहाँ पर अपने लिखा हुआ है, अपने आप को निर्दोष साबित करके दरबारियों को शर्मिंदा किया। यह अंश बताता है कि दारा कितना बुद्धिमान है। तो फ्रेंड्स, ये वाला जो पार्ट था जो हमने लास्ट में पढ़ा था चैप्टर के, वो बताता था कि दारा कितना समझदार है और कितना ईमानदार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दौरे पर जाते समय दारा दूसरा घोड़ा क्यों रखता था। तो दौरे, जब वो दौरे पर जाता था, कहीं जाता था दौरा लेने, वहाँ का जब भी वो किसी गांव में जाता था वहाँ का हाल समाचार जानने के लिए, तो वो अपने साथ एक घोड़ा क्यों लेके जाता था। तो दौरे पर जाते समय दारा दूसरा घोड़ा अपने बक्से के लिए रखता था। फ्रेंड्स, वो दूसरा घोड़ा इसलिए रखता था क्योंकि वो उसमें अपना एक फटा पुराना कोट रखता था, जैसे कि हमने अभी पढ़ा है कि उससे कभी उसको घमंड ना आए, इसलिए वो एक घोड़ा रखता था कि वो उसका एक बक्सा जो था वो संभाल सके, उठा सके, और एक घोड़ा जिस पे वो बैठ के जा सके। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा, दरबारियों ने दारा के खिलाफ शाह से क्या कहा। तो दरबारियों ने कहा कि दारा ने बक्से में बेईमानी का धन रखा है। तो जो दरबारी थे उन्होंने क्या कहा था राजा से, शाह से, कि दारा ने बक्से में क्या रखा हुआ है। तो उन्होंने ये कहा था कि जो वो दारा है वो बेईमान है, ईमानदार बिल्कुल नहीं है, वो धन लूटता है और वही धन वो उस बक्से में रखता है। तो फ्रेंड्स, ये हो जाएगा हमारा आज का पूरा सॉल्यूशन। अगर ये सॉल्यूशन आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग।